उसके परिवार का क्या हुआ? सावित्री बाई का क्या हुआ? म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी आई और उनको लेके गई। अभी बताओ तुम, एक घंटे बाद आना। ऐसा तो कभी देश में हुआ ही नहीं। कोई आंडू पांडू आबा बाबा आता है, आमदेव बाबा, रामदेव बाबा, कामदेव बाबा, तो उसकी आप लोगों के सामने काफी ये होती है, उसका सम्मान के साथ सब कुछ होता है। जेल में भी वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। अबे इस देश का बाप महात्मा ज्योतिबा फुले, इस देश की मां महात्मा ज्योतिबा फुले की मिसेस सावित्रीबाई फुले, उनकी मैयत कॉरपोरेशन की गाड़ियों में होती है। इस देश में समाज के लिए, इस देश के मूल निवासियों के लिए जिस जिस महापुरुष ने लड़ा है, उसका एनकाउंटर हुआ है, उसकी मौत का अपमान हुआ है, उनके जीवन का अपमान हुआ है, ये बड़ी चीज है। अब सवाल खड़ा यह होता है कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी एक जगह कैसे आएंगे? एक जगह बैठ जाएंगे तो एक जगह नहीं है। 5 लाख लोगों की भीड़ रहेगी तो भी एक जगह नहीं है। आप एक विचारों पे खड़े रहेंगे और 20 लोग भी रहेंगे तो वे एक जगह माने जाएंगे। एक विधायक बनाओगे आप, एक सांसद बनाओगे आप, 5 साल काम देगा, लेकिन एक कैडर बनाओगे आप, एक मिशनरी कार्यकर्ता बनाओगे तो पूरी जिंदगी भर समाज के लिए काम करेगा। आप परमानेंट पॉलिटिक्स की तरफ नहीं जा रहे हैं, टेम्पररी पॉलिटिक्स की तरफ जा रहे हैं। ये टेम्पररी पॉलिटिक्स की जो बीमारी है, हमारे समाज को दीमक की जैसी लग गई है। और ये टेम्पररी पॉलिटिक्स में ही दलित ओबीसी के खिलाफ में लड़ता है, आदिवासी आदिवासियों के खिलाफ में लड़ता है, दलित दलित के खिलाफ में लड़ता है, ओबीसी ओबीसी के खिलाफ में लड़ता है, माइनॉरिटी माइनॉरिटी के खिलाफ में लड़ता है, क्योंकि उसको परमानेंट पॉलिटिक्स नहीं मालूम, उसको टेम्पररी पॉलिटिक्स मालूम है। ये गवर्नमेंट आपको खाने खाने की परमिशन देंगे, पानी पीने की नहीं देंगे। खाना देंगे, पानी नहीं देंगे। ये दोनों बातें बड़ी अलग है। मैं कुछ बातें शब्द जो वापर रहा हूं उससे कुछ लोगों को बुरा लग रहा होगा, लेकिन ये सुन के जाना। छोटी छोटी बातें आपके दिमाग में आप लोगों ने डाल लेना चाहिए। एक मुहिम चलाए इन्होंने स्वच्छ भारत। मैं ऐतिहासिक बातें बाद में करूंगा। एक मुहिम चलाए स्वच्छ भारत कि हर घर में संडास होनी चाहिए और काम ठेकेदार को मिलना चाहिए। ये इस देश के गरीबों के लिए योजना नहीं थी, इस देश के ठेकेदारों के लिए योजना थी। एक तरफ आदिवासी आदमी खाना नहीं करके मर रहा है, उसको खाना नहीं मिलता है, कुपोषण होता है, मॉल न्यूट्रिशन होता है, कुत्ता भूख से नहीं मरता, लेकिन आदिवासी भूख से मरता है इस देश में। उसको खाने को नहीं है, कुपोषित गांव है, वहां संडास बनाने की योजना जा रही है। अबे खाएगा तो जाएगा ना। तो ये गवर्नमेंट खाने का अरेंजमेंट नहीं कर रही है भाई, हटने का अरेंजमेंट कर रही है, क्योंकि ये पैसा ठेकेदारों के पेट में जाता है। 2 लाख रुपए की आपकी लैट्रिन बनाने के बजाय 2 लाख रुपए का रोजगार उस घर में चले जाता तो उसकी रोटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, वो अपनी इज्जत खुद ही बचा लेता। ये आपको खाने देना नहीं चाहते हैं, आपको हगने देने की बात करते हैं। ये फर्क है दुश्मन में और दोस्त में। अबे वो लैट्रिन कर रही है, सड़क पे कर रही है, बात ठीक है, बहुत स्वच्छता की बात कर रहे हैं आप, कि इस देश का दलित आदमी, इस देश का ओबीसी आदमी, इस देश का आदिवासी आदमी सड़क पर गांव में लैट्रिन करने बैठती है हमारी मां बहने, ये बात आप बराबर बोल रहे हो, ये दिख गया तुमको
लेकिन अपने घर में तीन तीन दिन चूल्हा नहीं जलता, ये क्यों नहीं दिखा भाई? ये लोग बाहरी लोग हैं, ये आपके बाहर का दर्द देखे हैं भाई, आपके अंदर का दर्द नहीं देखे इन्होंने। आपके पेट में रोटी है या नहीं है ये बात किसी ने नहीं देखा। ये किसान जो आत्महत्या कर रहा है कौन है? ओबीसी है। जिनको जिंदा जलाया जा रहा है ये कौन है? दलित है। जिनको भगा भगा के मारने का षड्यंत्र कर रहे हैं ये कौन है? मुसलमान है। और जिनको जानवरों जैसा मार रहे हैं लोग, जिनका खुलेआम इनकाउंटर कर रहे हैं वो कौन है? आदिवासी। पुलिस वाला भी आदिवासी, नक्सलवादी भी आदिवासी, गोली किधर से भी चलेगी मरेगा कौन? ये रणनीति बनाई जा रही है। जो देश का मालिक है, जो इस देश का मूल मालिक है, उसको ही नक्सलवाद का टेट लगा रहे हैं लोग, उसको ट्रेडमार्क लगा रहे हैं, इसको देश नहीं बना रहे हैं। दलित चुपचाप है, ओबीसी चुपचाप है, माइनॉरिटी चुपचाप है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये तो आदिवासियों के साथ हो रहा है, हमारे साथ नहीं हो रहा है। तो ये गलत फहमी है, आप वेटिंग लिस्ट में हैं, आप प्रतीक्षा यादी में हैं। आज आदिवासी भूख से मर रहा है, कल दलित मरेगा, परसों ओबीसी मरेगा, माइनॉरिटी भी मरेगा। ये पूरी प्रश्न हमारे सामने क्यों खड़े हैं? गाय मरती है तो 1,20,000 तक के बीमा हो रहा है, 80,000 का बीमा होता है। मजदूर मरता है तो 60,000 का बीमा। गाय मरेगी तो 1,20,000, 80,000। आदिवासी मरेगा तो 60,000। जिस प्रदेश में आप लोग बात कर रहे हैं ना भाई, उस प्रदेश में एक तिहाई आदिवासी, एक तिहाई आदिवासी। और आंकड़े देखिए आप, 30,00,000 आदिवासी मध्य प्रदेश से बाहर चले गए, जिनके पास 10 एकड़ जमीन थी, 5 एकड़ जमीन थी, वो दूसरे प्रदेश में जाके मजदूरी कर रहे हैं। इसमें एससी भाई भी है, ओबीसी भाई भी है, मुस्लिम भाई हट नहीं रहा है, जिद कर रहा है, लड़ रहा है, जमीन के कचरा चुनने का ही काम कर रहा है, लेकिन कर रहा है। जिनके 5 एकड़ जमीन थी, 10 एकड़ जमीन थी, उनके बाजू से जो पानी जा रहा था इन्होंने पावर प्लांट को दे दिया। उच्च जाति के लोगों की तरफ पानी चले गया। जो गंगा सफाई अभियान चल रहा था ना, ये गंगा नर्मदा सफाई अभियान नहीं है, ये दलित आदिवासी ओबीसी सफाई अभियान है। ये जितने लोग थे 10 किलोमीटर की रेंज में, 10 फीट की रेंज में, उससे जो 1 किलोमीटर के गांव गांव थे, पूरे गांव के गांव साफ कर दिए इन्होंने। ये प्रोग्राम चल रहा है। 30,00,000 आदिवासी प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाके मजदूरी कर रहे हैं, और 60,00,000 दूसरे प्रदेश से लोग आते हैं और मध्य प्रदेश में जम जाते हैं। उनके बिल्डिंग ही होते हैं, उनके बड़े घर में कारें होती है, उनका बिजनेस होता है, और बेचारा आदिवासी दूसरे प्रदेश में जाके मजदूरी करता है और वो मजदूर बन गया है। और मजदूर नहीं, दूसरे प्रदेश में तो वो मजदूर बने ही मजबूर बन गया भाई। उसके पास ना वोटिंग कार्ड होता है, ना राशन कार्ड होता है, ना वो वोट ले सकता है, ना राशन ले सकता है। वो बेचारा दूसरों पे डिपेंड हो जाता है। मजदूरी करने के बाद भी उसका पेट नहीं भरता तो मंदिरों के सामने भीख मांगता है। ये वास्तविक स्थिति मध्य प्रदेश की है। मैं बाकी लोगों को तो नहीं बोल रहा, लेकिन हमारे गांडू नेताओं को तो जरूर बोलूंगा। उस आदिवासी से पूछो जिसकी 5 एकड़ जमीन यहां है, उसका बच्चा है, उसकी बा है, उसकी बहन है, और बेचारा वो सालों साल अपने घर नहीं आता है। आदिवासी एरिया गांव में जाइए, बूढ़ा आदमी मिलता है, जवान नहीं मिलता कोई, क्योंकि पूरे जवान दूसरे प्रदेशों में जाकर काम कर रहे हैं। आदिवासी गांव को बूढ़ा कर दिया, हमारे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। नागपुर से दिल्ली जाने वाली ट्रेन का नाम गोंडवाना एक्सप्रेस कर दिया, बेचारा आदिवासी ताली बजाता है।
अबे तो क्या आदिवासी फ्री में जा रहे हैं? आदिवासियों के नाम पे राज नहीं होना, आदिवासियों का राज होना, दलितों का राज होना, ओबीसी का राज होना, उनके नाम पे राज नहीं होना, ये दिमाग में डाल दीजिए। पूरे देश में सबसे ज्यादा मजदूर मध्य प्रदेश में है, पूरे देश, और अभी मध्य प्रदेश विश्व का सबसे बड़ा मजदूर निर्यात करने वाला प्रदेश बन गया है। अरब मजदूरी करने वाले आदमी की हालत ऐसी है, गड्ढे खोदने की मशीन निकल गई है, गड्ढे खोदने का भी काम नहीं मिलेगा, वो जिंदा कैसे रहेगा ये प्रश्न है उसके सामने, उसको कौन सा काम दोगे आप? एक आदमी मैला साफ करता है, झाड़ू मारता है, उसको आप लोग स्वीपर का काम देते थे, उसको आप लोग क्लास फोर का काम देते, उसको मान्यता है सरकारी दफ्तरों में, उसको पार्ट ऑफ गवर्नमेंट सर्विस बना दिए। मजदूरी करने वाले को बनाया क्या पार्ट ऑफ गवर्नमेंट सर्विस? नहीं बनाया। आदिवासी को समझा ही नहीं क्यों कैसे खत्म हो गया है, पहले मूल निवासी, फिर आदिवासी, अभी वनवासी। आरएसएस के लोग आदिवासियों को वनवासी बोलते हैं और 10 साल बाद स्वर्गवासी। ये लाइन समझने की कोशिश करो, जिस दिन आदिवासी स्वर्गवासी हो जाएगा यहां का दलित भी खत्म हो जाएगा, ओबीसी भी खत्म हो जाएगा, माइनॉरिटी भी बहुत खत्म हो जाएगा। अगर इस देश में दलितों को यह बोलना है कि ये मूल निवासी हूं मैं इस देश का, तो उसको आदिवासी संस्कृति की बात करनी पड़ेगी। ओबीसी को बोलना है कि मैं मूल निवासी इस देश का, तो उसको भी आदिवासी संस्कृति की बात करनी पड़ेगी। माइनॉरिटी को बोलना है इस देश का मैं मूल निवासी हूं, तो उसको भी आदिवासी संस्कृति की बात करनी पड़ेगी। उसको मोहनजोदड़ो हड़प्पा की बात करनी पड़ेगी, उसको लिंगों की बात करनी पड़ेगी, उसको महात्मा बुद्ध के गुरु अलार कलाम की बात करनी पड़ेगी। ये बात हमको समझना पड़ेगा, हमको हमारे रिलेशन समझ में आने चाहिए कि दलित आदिवासी ओबीसी माइनॉरिटी के